जैसे जैसे कोविड-19 ख़त्म हो रहा है और ज़िंदगियां वापस पटरी पर आ रही है, एक नया कंसर्न सामने आ रहा है, एक नई बीमारी, एक नया वायरस सामने आ रहा है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। वेलकम टू द वॉइस। और इस वीडियो में हम जानेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मंकी पॉक्स। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज है जो कि मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है, जो एक ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का वायरस है। ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इस वायरस को हम मंकी पॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले एक कॉलोनी ऑफ मंकीज में पाया गया था 1958 में, जो रिसर्च के लिए रखे गए थे। बेशक इस बीमारी को हम मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं, पर इसका सोर्स क्लियर नहीं है। और मंकीज के अलावा ये और भी काफ़ी जानवरों में पाई गई है, जैसे कि स्क्विरल्स, गैम्बियन पाउच्ड रैट्स और भी बहुत सारे। ये बीमारी ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, लेकिन टाइम के साथ साथ इसके केसेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट केस इस बीमारी का 1970 में आया था। वायरस के आने से लेकर सिम्टम्स के शो होने तक का जो टाइम पीरियड है, जिसे हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, मंकी पॉक्स के लिए वो 6 to 13 days है। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स को हम दो फेजेस में बांट सकते हैं। पहला द इन्वेजिव पीरियड, जो 0 to 5 days तक रहता है, जिसमें फीवर, हेडेक, बैक पेन और लैक ऑफ एनर्जी रहते हैं। इसके अलावा इस बीमारी का जो स्पेसिफिक सिम्टम है, जिसे हम कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी, मतलब स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, वो भी इसमें आता है। इसके बाद जो सेकंड फेज है, दैट स्किन इरप्शन, जो बहुत तरह की होती हैं, ड्राई या फ्लूडी या माइन्यूट, काफ़ी तरह की स्किन लिसन्स आती हैं इसमें। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तभी होगी अगर आप डायरेक्ट कंटेक्ट में आओ किसी एनिमल के बॉडी फ्लूड से, बीट इट्स ब्लड और इट्स एनी बॉडी फ्लूड। लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या स्किन लेसेंस के कंटेक्ट में आने से, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के कंटेक्ट में आने से जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ करी हो। इन सब चीज़ों से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। सेक्चुअल फेजिस से ये बीमारी पास होती है, ये अभी तक अनक्लियर है। डायग्नोसिस इनिशियल स्टेजेस में बई सिम्टम्स ही होती हैं, लेकिन इस बीमारी के सिम्टम्स चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के जैसे, तो उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका स्पेसिफिक है लिम्फेडिनोपैथी, जो है स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। जब सस्पेक्टेड पर्सन से हम सैंपल लेते हैं उसके स्किन लेसेंस का, उसे हम भेजते हैं लैब में फॉर PCR टेस्ट, जो कन्फर्मेशन देता है मंकी पॉक्स वायरस की। ब्लड सैंपल्स हम नहीं भेजते क्योंकि ब्लड में ये वायरस काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है। जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ होती है, वही वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए भी यूज़ होती है विद 85% इफेक्टिविटी। इसके अलावा पर ये वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि 1980 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट किया गया था। इसके अलावा बहुत सारी मंकी पॉक्स स्पेसिफिक वैक्सीन्स भी बनाई जा रही हैं, जिनमें से एक अप्रूव भी कर दी गई है। मंकी पॉक्स एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, ये वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाती है। इसके सिम्टम्स 2 to 4 weeks में खुद ही गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीवियर केसेस और इवन फेटल भी हो सकती है। इसकी फैटलिटी रेशियो रिसेंट टाइम्स में 3 to 6% है। ए सच इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए जो एंटीवायरल मेडिसिन यूज होती हैं, वो इसके लिए भी इफेक्टिव हैं। प्रिकॉशंस इंक्लूड रेजिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल,
एजुकेटिंग पीपल अबाउट द वायरस, वैक्सीनेशन जब अवेलेबल हो, और इसके अलावा स्टेइंग अवे फ्रॉम द पीपल, यूजिंग मास्क, इन्फेक्टेड पीपल से दूर रहना और सेफ रहना, ये प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। विद दिस नोट, स्टे सेफ, शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड साइनिंग ऑफ।